अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें समेट रहे होंगे। जी तो आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं हदीस पाक से। सुनन अबू दाऊद में हदीस मौजूद है जिसके मुताबिक प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पीने के बर्तन में सांस लेने से या बर्तन में फूंक मारने से मना किया गया। इससे बैक्टीरिया जो है आप खाने में शामिल हो जाते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आज जो रेसिपी शेयर करूंगी मैं वो आलू गोश्त की रेसिपी है। आलू गोश्त की रेसिपी जो है वो तो बहुत मतलब सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन मैं इसको थोड़े से मुनफरद तरीके से बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने मटन ले लिया है 1 kg। इसमें मैंने प्याज काट के डाल दिए हैं, धो के इसको मैंने प्रेशर में डाला, मटन को मैंने प्याज डाल दिए हैं। और ये मैंने रखे हुए हैं टमाटर और सब्ज मिर्च, तो इसको भी हम साथ साथ इसमें ऐड कर देंगे, ये देखें। और ये हाफ जो है कप मैंने ऑयल लिया है, इसको भी मैं ऐड कर दूंगी इसमें। अमूमन हम लोग रेसिपीज़ में ऑयल बाद में शामिल करते हैं, लेकिन मैं इसमें स्टार्ट में शामिल करूंगी और इसके बाद जो फर्दर जो रेसिपी है वो भी हम थोड़े से डिफरेंट अंदाज़ पे बनाएंगे। तो ये नमक है, नमक भी मैं साथ ही ऐड कर दूंगी ताकि गोश्त के अंदर नमक जो है वो अच्छे से रच जाए। ये फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी के डाल दिए हैं। 2 गिलास पानी के डालने के बाद मैंने अब इसकी लिड लगानी है, ये देखें। लिड लगाकर मैं इसको, ये देखिए लिड लग गई, इसके वेट जो है वो लगा दूंगी। जी तो पानी थोड़ा सा है बीच में है, मैं इसको पतीली में शिफ्ट करके इसी तरह से, या इसे मैं पानी खुश कर लूँगी, क्योंकि जब मसाला भूनना है दूसरी पतीली में तो फिर जो है पकी की रेसिपी जो है वहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। जी ये मैंने दूसरा बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल के गरम किया है। और लाइट जो है, सॉरी व्यूवर्स, लाइट बहुत कम है आज, आपको इसी लाइट के साथ जो है वो गुजारा करना पड़ेगा। और ये मैंने आलू जो थे वो धो के खुश कर लिए हैं, अब मैं 1 by 1 नहीं। तो ये जो मेरा बेटा है ना, ये कैमरा पकड़ रहा है बार-बार। व्हाट्स रॉन्ग? नो बेबी नो। जी तो साथ साथ जो है हम, ये मेरा बच्चा जो है वो अपना टैडी साथ ले आया है, तो क्या कर रहे हैं बेबी? टैडी को, टैडी सो रहा है, टैडी खेल रहा है आपके साथ, नीनी कर रहा है। ओके चलें जी, टैडी तो नीनी। हम जो है अपनी कुकिंग कंप्लीट करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो हाथ जो है मेरा बहुत बुरी तरह जल चुका है, लेकिन रेसिपी जो है कंप्लीट करनी है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये बाकी के मसाला जार की तरफ। हल्दी 1 चम्मच ली है मैंने, 1 टीस्पून बल्कि ये भर के लिया है, हल्का 1 टेबल स्पून कर सकते हैं आप। जो कुछ धनिया है, जीरा लिया है मैंने, सूख मिर्च ली है, और मैंने ये लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, तो इन सबको ऐड कर दूँगी। इससे पहले कि ये जल नहीं पाए, मैं ये
साथ एक और चीज़ है, थोड़ी सी मूँगफली आपको लगेगी ऐसी तंदूरी में। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है इसका। फ्राइड अनियन मैं इसको थोड़ा बारीक कर लूँगी, लेकिन ये ऐड हमने करने हैं जब हमने इसको थोड़ा सा बारीक कर लिया। तो मैंने थोड़ा बारीक कर लिया है, मैं ऐड कर दूँगी इसमें। ये इसमें फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा और जो खुशबू है ये मैंने पहले से फ्राई करके रखे हुए थे। इस पर आकर जो इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मटन बनाया हुआ था। जी तो सालन हो चुका है तैयार। यकीन माने बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त ये आलू गोश्त बना है। स्पेशली जब आपने आलूओं को फ्राई करना है तो उससे इसका जो टेस्ट है वो मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। तो अब हम इसे बॉल में शिफ्ट कर लेते हैं। गरम मसाला जो है मैंने 1 टेबल स्पून पर छिड़क दिया है, आप चाहें अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जी तो अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग कर लेंगे। मेरे बच्चे तो आलू बहुत शौक से खाते हैं, मेरा ख्याल है हर घर में बच्चे आलू बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन ये वाकई बहुत मज़ेदार आलू गोश्त बनेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम इस पर गार्निशिंग कर लेंगे। थोड़ा सा आप धनिया इसके ऊपर डाल दें जितना आप पसंद करते हैं। सब्ज़ मिर्च है और ये हम स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। बारीक बारीक मैंने अदरक जो है वो चॉप करके रख लिया था। जी तो ये आलू गोश्त हमारा रेडी है, अब इसे हम ट्राई करते हैं। जी तो ये है फाइनल लुक हमारे आलू गोश्त की। आप देख सकते हैं कि शक्ल से ही इतना डिलीशियस, इतना मज़ेदार लग रहा है, मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा, मैं तो चली इसको खाने। आप भी ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अपने प्यारे से कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा मज़ीद कोई सजेशन हो तो आप जो है वो अपने कमेंट में बता सकते हैं। और तब तक के लिए, नई वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त।